आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात करेंगे। बहुत वक्त से ये लेक्चर लाने का मेरा मन था, द क्रूसेड्स। एक चीज मैं लेक्चर शुरू होने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्रूसेड्स जो है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है। ये 300-400 साल का जो इतिहास है ये इतना बड़ा है कि हर एक क्रूसेड पे सेपरेट लेक्चर हो सकता है। समझ रहे हैं, सेपरेट एक डेढ़ घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो मैं यहां पे सारा क्रूसेड एक ही वीडियो में खत्म करूंगा, ठीक है। तो वीडियो एक तो लंबा होगा, आधे घंटे से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगा, क्योंकि अगर सब कवर किया तो ये जो वीडियो है वो 10-15 घंटे का हो जाएगा, उतनी मेरी ताकत नहीं है, ठीक है। पहले मैंने सोचा सेपरेट वीडियो बना दूं, बट वो पूरी एक सीरीज तैयार हो जाती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत ही क्रिस्प वीडियो क्रूसेड्स, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए, इसमें मैं बता दूंगा और सारे क्रूसेड कवर भी हो जाएंगे। दूसरी चीज, ये तीन पार्ट में है। सबसे पहले मैंने जेरूसलम के सिग्निफिकेंस की बात की थी, उसका वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद क्रूसेड्स, और उसके बाद मैं टेम्पलार नाइट्स के ऊपर एक लेक्चर लेकर आऊंगा, ठीक है। उसमें हम इल्यूमिनाटी की भी बात करेंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ जेरूसलम, फिर क्रूसेड्स और फिर टेम्पलार नाइट्स, ठीक है। तो फिलहाल हम क्रूसेड्स को देखेंगे, एक ऐसा युद्ध, धर्म युद्ध इसको बोलेंगे, होली वॉर, जिसने जिंदगियां बदल दी। बहुत जाने गई धर्म के नाम पे जो युद्ध हुआ, इसमें पूरा शहर बर्बाद हो गया, यरूशलम बर्बाद हो गया, कितने शहर, और बहुत बुरी हालत हुई दोस्तों। बहुत सारे जेनोसाइड हुए इसमें, लोगों को मारा गया, यहूदियों को मारा गया। तो हम देखेंगे एक एक चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है दोस्तों, और यूपीएससी की तो नोटिफिकेशन की, आप तो एग्जाम भी आने वाला है, तो आप यूपीएससी के कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करिए और नंबर्स पर कॉल करिए। मैं ट्विटर पर भी आ गया हूँ दोस्तों, ये रही मेरी आईडी, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो नहीं, गलत आ गया, यरूशलम, पहले यरूशलम की बात कर लेते हैं। यरूशलम की बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है यरूशलम यहाँ है, इज़राइल, अभी प्रेजेंट डे इज़राइल में है। अभी यरूशलम के बारे में मैंने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। क्रूसेड्स जो है, शुरुआत के तीन क्रूसेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भी क्रूसेड्स हुए, लेकिन शुरुआत के तीन, यानी कि ये 1191 तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे टोटल 8 क्रूसेड हुए थे, ठीक है, और उसके बाद फिर एक एंडिंग क्रूसेड हुआ था, और उसके बाद बोला कि बस भैया अब हमसे युद्ध ना होता, इतने अब एक तो पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता, ऊपर से कहां से इतने लोगों को लाएंगे, तो फिर वो बंद किया गया। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत हुआ है, इफेक्ट ऑफ क्रूसेड यहां पे बिजनेस होने लगा, ठीक है। खैर उसकी भी अभी हम एक एक चीज की बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है यरूशलम द होली लैंड, ठीक है। यरूशलम जो है, जो इब्राहिमिक रिलीजन है, जो तीन इब्राहिमिक रिलीजन है, कौन कौन सा, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों के लिए पवित्र स्थान है। जुडाइज्म यानी कि ज्यूस का सबसे पवित्र स्थान है भैया, पूरा जुडाइज्म यही से निकला, ठीक है ना। क्रिश्चियनिटी, यहां पे ही जीसस ऑफ नजरेथ पले बढ़े, उन्होंने अपनी टीचिंग्स यहां से प्रोपोगेट की, यही पे ही उनको क्रूसिफाई किया गया और यहां से ही वो रिजरेक्ट हुए। और इस्लाम की बात करें तो तीसरा सबसे पवित्र स्थल है इस्लाम के लिए। यहां पर दोस्तों प्रॉफिट, मे द पीस अपॉन हिम, उन्होंने यहां से ही जन्नत का रास्ता तय किया था। टेम्पल माउंट की बात की, आप देख लीजिएगा, लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। अभी आप क्रूसेड्स पे आ जाइए, अभी मैप पे आ जाइए, ठीक है। ये देख रहे हैं, पहला जब क्रूसेड हुआ तो क्रिश्चियंस ने जीता, और ये चार इंपॉर्टेंट किंगडम जो हैं वो बनाए, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो होली वॉर है, ये आप देख सकते हैं कलर कोडिंग से, ठीक है। ये चार क्रूसेड की यहां पे बात की है कि कहां कहां से वो हुए, ठीक है। अगर फर्स्ट क्रूसेड की बात करें, ये आप देख सकते हैं ब्लू लाइन पूरा का पूरा, इधर से चलते हुए जो होली रोमन एम्पायर है पूरा, ये यरूशलम तक जाने की प्लानिंग थी। एक्चुअली क्या था कि यूरोप से यरूशलम जाओ, ठीक है, हमारा पवित्र स्थान है, होली लैंड है। इसका क्रक्स यही है कि यहां पर एम क्या था, यहां पर क्रिश्चियंस ने यह बोला था, क्रिश्चियंस का यह एम था कि यरूशलम हमारा पवित्र स्थान है, जीसस क्राइस्ट यहां पे रहे, तो हमको यरूशलम को वापस लेना है। और उस समय ये 1096 की बात है, ये 11th सेंचुरी में यरूशलम जो है इसको मुस्लिम्स रूल कर रहे थे, ये इनके कब्जे में था। जब से इस्लाम का उदय हुआ तब से यरूशलम उनके कब्जे में था। तो अब वक्त आ गया है कि अब हम यरूशलम को वापस लें, और जीसस क्राइस्ट के साथ जिन जिन ने दुर्व्यवहार किया है उनको खत्म करें।
ठीक है, और क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेशन। तो बेसिकली ये यरूशलेम के लिए लड़ाई हुई कि हमको इस होली लैंड को वापस लेना है, ठीक है ना। तो ये जो क्रूसेड्स हुए ये इसलिए हुए। अब जैसे जैसे क्रूसेडर्स आगे बढ़ते गए, जो भी उनको रास्ते में मिला जो उनके साथ नहीं था उसको वो मारते गए, है ना। और ये सेल्जुक टर्क्स जो है ना, ये फर्स्ट जो क्रूसेड है, ये एरिया जो है वो सेल्जुक टर्क्स के पास था, ठीक है। और सेल्जुक टर्क्स बहुत खतरनाक थे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। क्रूसेडर्स की बैंड बजाई थी इन्होंने भी, हालत खराब हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली फर्स्ट क्रूसेड में हम देखते हैं क्रिश्चियंस जीते। तो ये एक ब्रीफ लेक्चर शुरू होने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअली क्रूसेड्स हुआ क्यों था, क्रूसेडर्स कहां से आए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर्स पे आते हैं और फर्स्ट क्रूसेड्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्रूसेड्स क्या था, ये टोटल 1096 से लेकर 1291 तक चला है, ठीक है। तो एक तरीके से ये 300 सालों तक चला है, आप देख रहे हैं ना। ये इतने टाइम तक चला कि लोग भी परेशान हो गए थे कि भैया कितने लोगों को मारा जाएगा, और यहां पे बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा ऑनस्लॉट हुआ है, ठीक है। चाहे मुस्लिम्स हो चाहे क्रिश्चियंस हो, भैया पिस्ता तो आम आदमी है, और धर्म के नाम पे ये सब कुछ हुआ, ठीक है, और बहुत लोग मारे गए इसमें, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि जब से इस्लाम का उदय हुआ तब से ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है और होली लैंड है वो किसके पास था, वो मुस्लिमों के पास था। सेल्जुक टर्क्स जो थे वो रूल कर रहे थे, ठीक है। अब ये एरिया जो था ये क्रिश्चियंस को वापस चाहिए था, लेकिन अभी तक एज सच कोई इसमें हम देखते हैं कि कवायद नहीं की गई थी कि हम इस एरिया को या यरूशलम को वापस लें। ये 1095 से शुरू हुई। हुआ क्या था कि एलेक्सियस जो है उन्होंने बाइजेंटीन थ्रोन पे अपना हक जमा लिया था, वो बाइजेंटीन थ्रोन पे बैठ गए थे। यहाँ पे दोस्तों जब भी क्रूसेड्स किया जाएगा उसकी बैकिंग होगी राजा की, इनफैक्ट बहुत सारे राजाओं में क्रूसेड्स ने पार्ट लिया, क्योंकि बिना राजा की अनुमति से तो ये सारी चीजें होगी नहीं। लेकिन राजा को जरूरत किसकी है, ये तो होली वॉर है, ये तो धर्म युद्ध है ना। तो राजा को जरूरत है चर्च की, जब चर्च अनुमति देगा तभी तो क्रूसेड्स होगा। लेकिन एक समय पे दोस्तों चर्च राजा से ज्यादा ताकतवर हो गया था, है ना, चर्च के पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी, ठीक है ना। अब 1095 में दोस्तों जब पोप अर्बन टू आए, उन्होंने ये पहली बार बोला कि अब वक्त आ गया है कि यरूशलम को हम अपने पास लेके आए, और यहां से कहानी बिल्कुल बदल जाती है, ठीक है ना। यहां पे देखिए उस समय क्रिश्चियनिटी वैसे ही टर्मोइल में थी, वैसे ही मुश्किल था, ठीक है। तो यहां पे जब 1095 में पोप अर्बन टू, यहां पे जब ये पोप बनते हैं और इनकी अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है, तब इन्होंने बोला कि यरूशलम को वापस लेने का वक्त आ गया है। एलियन रेस ने, इस्लाम या ज्यू से उनका मतलब था, उन्होंने यरूशलम पे कब्जा कर लिया है। 400 साल तक वो वहां पे कब्जे, मतलब वहां पे है ये, ठीक है, जब से इस्लाम का उदय हुआ है, कैलिफेट जब से आई है तब से वो यरूशलम पे कब्जा किए हुए हैं। तो अब हम वापस लेंगे ये, और ये पूरा बकायदा प्रोपेगेंडा चलाया गया और लोगों को इकट्ठा किया गया, लोगों को ये बात बताई गई, लोगों को बताया गया कि यरूशलम पाथ टू सेल्वेशन है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट यहां पे थे, तो पाथ टू सेल्वेशन, अगर मुक्ति पानी है तो यरूशलम से ही मिलेगी, और हम सबको जाना है, हर कोई आगे आए। शुरुआत में दोस्तों ये इतनी प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, ठीक है, प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी अगर हम क्रूसेड्स की बात करें, है ना। यहां पे ज्यादातर पेजेंट्स थे, ज्यादातर आम लोग थे जिन्होंने हथियार उठाए और जो वॉर लड़ने के लिए, जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इसमें कुछ क्रिश्चियन नाइट्स और वॉरलॉर्ड्स भी थे जो कि आगे आए, ठीक है। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई मैप नहीं था, जाना कैसे है, कहां पे जाना है, कैसे अटैक करना है, कुछ भी नहीं पता था। बस पोप अर्बन टू ने बोला कि हमको वहां पे जाना है, और ये स्पिरिचुअल बिगिनिंग है, हम एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। बहुत सारी चीजें थी दोस्तों, मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे पोप अर्बन टू ने बोला, लोगों ने बात मानी, लोगों ने हथियार उठाए और चल दिए, पैसे थे नहीं, समुद्र के रास्ते से जा नहीं सकते तो गए कैसे, पैदल रास्ता। देख लीजिए दोस्तों पैदल रास्ता, ये इतना दूर का रास्ता, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहां पे 60,000 लोगों ने, 60,000 लोग इकट्ठा, और उन्होंने बोला चलो यरूशलम चलो, कुछ भी नहीं पता था कैसे जाना है, मैप है कुछ भी नहीं था, कोई ज्यादा तैयारी नहीं थी। तो ये इतना जो लंबा रास्ता है दोस्तों, अगर हम बात करें इतना जो लंबा रास्ता तय कर रहे हैं ये लोग, तो यहां पे बहुत लोग तो रास्ते में ही मर गए, खाने की प्रॉब्लम हो गई, पीने की प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, तो बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए। और रास्ते में जो ज्यूज मिलते जाते थे, जो यहूदी मिलते जाते थे, उनको ये मारते जाते थे, क्योंकि यहूदियों का तो हाथ था क्रिश्चियंस के क्रूसिफिकेशन में, ठीक है। तो जो भी यहूदी मिलता जाता था, धर्म युद्ध था, उनको पकड़ के मार देते थे, ये परसिक्यूशन यहूदियों का
जारी था। ठीक है, तो यहां पे क्रुसेडर्स ने अपनी आर्मी को चार पार्ट में डिवाइड किया। अब आप देख लीजिए दोस्तों, यहां पे ये सारे के सारे राजा थे और जिन्होंने इस पूरे, ये मैंने बताया ना कि ये फर्स्ट क्रूसेड, मतलब जो क्रूसेड्स थे उसको भी स्पॉन्सर किया जाता था। ठीक है, तो डिफरेंट वेस्टर्न यूरोपियन रीजन्स में हम देखते हैं कि राजा सामने आए और उन्होंने बोला जाओ जो करना है करो, लेके आओ यरूशलम, छीन लो। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ और फिर ये पूरी आर्मी निकलती है यही गोल का कि यरूशलम को हम वापस ले लेंगे, और 1096 आते आते ये सब कुछ पूरी आर्मी जो है वो निकल जाती है। ठीक है, और रास्ते में जो भी ज्यूज मिलता है, राइनलैंड में जो ज्यूज मिला है, कोई कहीं पे भी, उनको भी खत्म करते गए। अब उसके बाद दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है, ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन खाने पीने की प्रॉब्लम, साथ ही साथ दोस्तों हम देखते हैं कि सेल्जुक टर्क्स ने भी इनको हम इनके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, सेल्जुक टर्क्स ने भी एक बार इनके ऊपर हमला कर दिया था, गाजर मूली की तरह काट दिया। तब क्रुसेडर्स को ये पता लगा कि इतना आसान नहीं है जिस मिशन पे हम निकले हैं। फिर ये भी नहीं पता था पहुंचेंगे कब तक, ठीक है, क्योंकि मैप भी नहीं था ना, पहुंचेंगे कब तक, और पूरा पहाड़ी एरिया जंगलों से गुजरते हुए, बहुत मुश्किल था ये, लेकिन तब भी ये लोग पहुंचे। 3 साल में इस सफर को कवर किया इन्होंने। 1097 आते आते इन्होंने नाइसिया को अटैक कर दिया। ठीक है, और यहां पे जब नाइसिया को अटैक किया तब क्रूसेडर्स, ये जो वॉर है, ये जो होली वॉर है, ये शुरू हो गया। मुस्लिम्स को कुछ नहीं पता था, पहली बात तो मुस्लिम्स को मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उस समय व्हाट्सएप या न्यूज चैनल थोड़ी ना था, ब्रेकिंग न्यूज, क्रूसेडर्स जा रहे हैं हमला करने, नहीं था ये सब। तो यहां पे मुस्लिम्स को पता ही नहीं था ये हो क्या गया है, वो समझ ही में नहीं आ रहा था उनको। उस समय मुस्लिम वर्ल्ड भी डिसएरे में था, मतलब डिवाइडेड था, वो मुस्लिम में शिया सुन्नी का विवाद चल रहा था और अलग अलग किंगडम्स थे और उनमें कोई यूनिटी नहीं थी। तो मुस्लिम जो इस्लाम्स थे वो उस जो इस्लाम था और जो मुस्लिम्स थे वो भी परेशान थे कि हो क्या गया एकदम से। और यहां पे क्रुसेडर्स ने एकदम से हमला कर दिया नाइसिया को, सिटी ने जून तक 1097 आते आते सरेंडर कर दिया। लेकिन जो मेन था वो तो यरूशलम था, मेन एम तो यरूशलम था। अभी तो खाली एंट्री हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना है, मेन तो यरूशलम है। तो जहां जहां ये गए वहां वहां शहरों को जीतते गए। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कहीं कहीं सेल्जुक टर्क्स ने भी बहुत तगड़े से हमला किया और यहां पे क्रुसेडर्स को भी हार का सामना करना पड़ा। और क्रुसेडर्स एक बार तो काफी, जब सेल्जुक टर्क्स, वो भी भाई एकदम उनकी प्रोफेशनल आर्मी, ठीक है, और जब उन्होंने हमला किया तो ये लोग एकदम डर गए थे कि यार ऐसे कैसे हम लड़ेंगे, लेकिन दोबारा ये रिग्रुप हुए, एनफोर्समेंट आया और फिर से आगे बढ़ते गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी नहीं था इनके पास। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हालत इतनी खराब थी कि इन्होंने घोड़ों के शरीर से खून पिया था, है ना, इतनी बुरी हालत थी ये जो क्रुसेडर्स थे। और यहां पे ये लोग क्वेश्चन करने लगे थे, क्योंकि देखिए जब आप इतनी दूर आ रहे हैं तो आपके पास आपको सप्लाई चाहिए, ठीक है, आपको चीजें चाहिए, खाने के बिना कैसे जिंदा रहेंगे, चलिए खाने के बिना जिंदा रह सकते, पानी के बिना कैसे जिंदा रहेंगे, पानी था नहीं। तो यहां पे क्रुसेडर्स भगवान को क्वेश्चन करने लगे थे, जीसस से पूछने लगे थे, परमेश्वर से पूछने लगे थे कि बताइए हम आपके लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप हमको इतना ज्यादा क्यों तड़पा रहे हैं, है ना। घोड़े मर गए, घोड़ों के साथ गए थे, घोड़े मर गए, घोड़ों को, इंसानों के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं, तो घोड़ों के लिए कहाँ। तो बहुत सारे क्रुसेडर्स जब पहुंचे यरूशलम तो गधों पे पहुंचे थे, गधों को राइड कर रहे थे, इतनी बुरी हालत थी। सीरिया पहुंचते पहुंचते आधे से ज्यादा क्रुसेडर्स खत्म हो गए थे, आधे ही बचे थे। अब उसके बाद हम देखते हैं जब ये एंटियोक पहुंचे, एंटियोक का जो एंटियोक पे जो इन्होंने कब्जा किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ठीक है, एंटियोक पहुंचे तो वहां पे सर्दी भी आ गई थी और बहुत ही खतरनाक विंटर था दोस्तों, ये आज का विंटर नहीं, उस समय का बहुत ही खतरनाक होता था, सर्दी पड़ती थी तो भीषण सर्दी पड़ती थी। तो एंटियोक में स्ट्रगल चालू हो गई। अब जब एंटियोक तक पहुंचे दोस्तों, इधर नाइसिया पे तो उन्होंने कैप्चर कर ही लिया था, ठीक है, एंटियोक्स में पहुंचे तो वहां पे भी कंट्रोल तो लेना ही था, जल्द से लेना था, ठीक है, तुरंत ही वहां पे इन्होंने वॉर किया और एंटियोक पे भी इनका कब्जा हो गया। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था क्योंकि एंटियोक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। ठीक है, अब कुछ ही बस ये मील दूर थे यरूशलम से, उनको पता था कि अब बस हमको आखिरी वॉर करना है और यरूशलम को हम पार पा लेंगे, यरूशलम को जीत लेंगे। लेकिन यहां पे दोस्तों इतना आसान नहीं था। अच्छा, एंटियोक की भी एक अपनी कहानी है, फिलहाल चलिए अच्छा मैं आपको बता ही देता हूं। एंटियोक पे भी कब्जा करना मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, सिटी जो थी वो पूरे कंट्रोल में थी, काफी वक्त तक 8 महीने तक एंटियोक के बाहर रहे, ठीक है, कि कैसे हम इसको बिसीज करें, और बहुत मुश्किल हुई एंटियोक पे कब्जा लेने की, करने की, लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि एंटियोक पे कब्जा किया। अब यरूशलम जाने से पहले हम देखते हैं कि ये जो क्रुसेडर्स थे ये थोड़े से लालची हो गए, जब एंटियोक पे कब्जा हुआ
तो इनको लगा भी यरूशलम से पहले हम आस पास के शहर पे कब्जा करते हैं, तो इन्होंने सीरिया को इन्वेड कर दिया, इन्होंने लेबनान को इन्वेड कर दिया, वहां पर इन्होंने कतलेआम मचाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो अब भैया ये तो अपने जो हम देखते हैं कि ये जो इनका एम है उससे तो ड्रिफ्ट हो गए, है ना, जा रहे थे यरूशलम पे कब्जा करने, आसपास के टाउन्स पे कब्जा कर दिया, ठीक है। तो इनका जो लीडर था पीटर बार्थेमेडलो, तो उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आई कि तुमको हमने भेजा था वहां पे कि यरूशलम पे कब्जा करो और तुम यरूशलम छोड़ के बाकी शहरों पे कब्जा कर रहे हो। तो उसके बाद उसको बुलाया, बकायदा उसका पश्चाताप हुआ और शायद वो मर भी गया था, 12 दिनों बाद उसने अपना पूरा पश्चाताप किया था और वो मर भी गया था। और दोबारा ये जो यरूशलम की जर्नी है ये फिर से शुरू होती है, और 1099 आते आते दोस्तों ये यरूशलम के बाहर खड़े हो गए। लेकिन तब तक यहाँ पे मुस्लिम्स को भी खबर पड़ गई थी, ठीक है, और मुस्लिम्स ने भी अपने आप को रीग्रुप किया, ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स ने भी बहुत ज्यादा कोशिश की, और 1099 आते आते दोस्तों ये पूरा यरूशलम के बाहर पहुंच गए थे। उसके बाद ये यरूशलम में दंदनाते हुए घुसते हैं, बहुत लंबी कहानी है दोस्तों यरूशलम की, कैसे युद्ध हुआ, क्या स्ट्रैटेजी थी, आप बस इतना समझिए कि बहुत वक्त तक वेट किया और फिर यरूशलम में घुसे, और इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ बूढ़े बच्चे औरतें सबको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। वैसे ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था, 4 साल हो गए थे अभी तक कुछ नहीं हाथ आया था, मतलब इन द सेंस कि यरूशलम में अभी तक कुछ नहीं हो पाया था, तो यहां पे जो फ्रस्ट्रेशन था वो लोगों पे निकाला, और 1099 आते आते दोस्तों इन्होंने जुलाई तक कब्जा कर लिया पूरी पूरे शहर पे। यरूशलम जो है इतने सालों से 400 सालों से वो किसके पास था, इस्लाम के पास था, मुस्लिमों के पास था, और अब उनके हाथ से छूट गया ये, और अब ये पूरा जो है ये आ गया क्रिश्चियंस के पास। तो पहला क्रूसेड्स जो है वो रहा सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहां पे क्रिश्चियंस ने कब्जा किया और उसके बाद ये 4 लैंड बनाए, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले 4 स्टेट्स बनाए इन्होंने, सबसे पहले तो किंगडम ऑफ जेरूशलम, एडिसा, एंटियोक और त्रिपोली, ये देखिए, ठीक है, ये एडिसा, एंटियोक, त्रिपोली और यरूशलम, ये 4 जो थे ये इन्होंने स्टेट्स बनाए, ये किंगडम बनाए, ठीक है, क्रूसेडर्स ने ये किंगडम एस्टैब्लिश किए और यहां से रूल करने लगे, और यरूशलम उनके पास आ गया, सबसे बड़ी चीज, अपने एम में कामयाब हो गए, और एक तरीके से खुशी का माहौल हो गया यरूशलम, इधर यूरोप में और यरूशलम में, ठीक है, जितने भी क्रूसेडर्स थे कि मजा आ गई, क्या बढ़िया काम किया। लेकिन अभी दोबारा पलटवार होगा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है, ये वॉर है ना, ये जो युद्ध है ना ये बहुत टाइम तक चलता है, ये जो बदले की राजनीति होती है और बदले का युद्ध होता है। तो अब सेकेंड क्रूसेड होगा 1147 से लेकर 1149 तक, 1147 से लेकर 1149 तक जो क्रूसेड था उसमें मुस्लिमों को यहां पे विक्ट्री मिली, समझ रहे हैं, यहां पे जो है अब मुस्लिमों ने बोल दिया कि अब हम जिहाद छेड़ रहे हैं इनके ऊपर, होली वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियंस, इन्होंने जबरदस्ती हम पे कब्जा किया और अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा। 1130 तक तो क्रूसेडर्स के पास अपर हैंड था, लेकिन 1144 आते आते दोस्तों यहां पे जो जनरल जांगी था उन्होंने एडिसा को कैप्चर कर दिया, यानी कि एक किंगडम गया इनके हाथ से, और पूरी इन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। अब इसकी भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी, फिलहाल हम उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब एडिसा पे कब्जा हुआ तब यूरोप में, यूरोप वाले सक्ते में कि ऐसा हो कैसे सकता है, अब सक्ते में आ गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो अगेन यहां पे जो किंग लुई द सेवेंथ थे फ्रांस के और किंग कॉन्ड्रैड 3 जो जर्मनी के, उन्होंने सेकंड क्रूसेड को शुरू किया। मैंने बताया ना कि जब भी क्रूसेड होगा राजा की बैकिंग रहेगी 1147 में। लेकिन यहां पे दोस्तों इनको कुछ मिल नहीं पाया और मुस्लिमों ने बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री ली, हरा दिया। सेकंड क्रूसेड जो है इसमें विक्ट्री होती है मुस्लिमों की और क्रिश्चियंस को खदेड़ने में ये कामयाब हो गए। अब थर्ड क्रूसेड और सबसे इंपॉर्टेंट क्रूसेड की बात करते हैं। थर्ड क्रूसेड सबसे इंपॉर्टेंट क्रूसेड है क्योंकि यहां पे दो बहुत बड़े लीडर आपस में टकराएंगे, एक सलादीन, ठीक है, जिसका जिसकी तो बहुत ही गौरव गाथाएं अगर आप इसकी पढ़ें सलाउद्दीन की तो वो तो कमाली है, और दूसरा रिचर्ड द लायन हार्ट। हाँ, ये दो बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है। सलाउद्दीन जो कि एक कुर्दिश सोल्जर था, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रैंक्स पे ये हम देखते हैं कि इसको प्रमोशन मिलता गया और धीमे धीमे ये बन गया सुल्तान। सलाउद्दीन के पास पूरा कंट्रोल आ गया और गजब का रूलर था दोस्तों, लेकिन ऑन दी अदर एंड बहुत ही रूथलेस था, रिबेलियन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था, ये भी लोगों को मारता था। एक बार ये 1185 की बात है दोस्तों, इसने सबको यूनाइट कर दिया। सलाउद्दीन को इसीलिए बहुत बड़ा कहा जाता है और बड़े एज अ हीरोइक तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसने जो है
कंबाइन कर दिया था, सबको ये साथ ले आया था मुस्लिम वर्ड्स को, ठीक है, जो उस समय डिवाइड थे, हालांकि कुछ सुन्नी था लेकिन ये साथ में ले आया था, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि इजिप्ट, अरेबिया, सीरिया, ये सब आ गए थे और बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी। अब आ जाओ कर लो क्रूसेड, ठीक है, सीधा सलाउद्दीन ने चैलेंज दे दिया। इसी दौरान दोस्तों बहुत बीमार पड़ गया था, 1185 की बात है जब बहुत बीमार पड़ गया था ये, और लग रहा था कि अब शायद बहुत जल्दी ये मर जाएगा, लेकिन दोस्तों ये मरा नहीं। एकदम से क्या हुआ, जब हर किसी को लग रहा था कि बहुत मुश्किल है इसको बचाना, ये एकदम से जिंदा हो गया, जिंदा इन द सेंस कि एकदम से उभर गया अपनी मौत से। और सलाउद्दीन जब उभरा तब लोगों को विश्वास हो गया कि भैया इस पे तो दैवीय शक्ति है, ये ऐसा वैसा इंसान नहीं है, इस पे रहम है अल्लाह का। फिर क्या था, रेस्ट इज हिस्ट्री, उसको भी ये लगने लगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मेरा नया जन्म हुआ है और अब तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब इधर यूरोप में क्या हो रहा था, यरूशलम तो हाथ से गया, यरूशलम तो हाथ से गया, तो क्या करेंगे, थर्ड क्रूसेड, 1187 से लेकर 1192 तक, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड जो था, और ये बहुत ही डिसाइसिव था दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें हुई, समझ रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1187 में दोबारा यरूशलम पे कब्जा किया सलाउद्दीन ने, इसीलिए तो उसको इतना इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता है। और इनफैक्ट थर्ड क्रूसेड का विक्टर भी, हालांकि ये एक तरीके से आप ड्रॉ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अपर हैंड यहां पे सलाउद्दीन को था, ठीक है। तो थर्ड क्रूसेड जो शुरू हुआ 1187 में, जब सलाउद्दीन ने यरूशलम को, इतने टाइम बाद 1099 में यरूशलम जो है क्रूसेडर्स के पास चला गया, 1187 में यरूशलम की ज्यादातर टेरिटरी पे, 80-90% टेरिटरी पे दोबारा सलाउद्दीन का कब्जा हो गया। और अब यहां से ही जब ये न्यूज यूरोप पहुंची कि दोबारा यरूशलम पे कब्जा हो गया, तब 1189 में हम देखते हैं रिचर्ड दी लायन हार्ट, उन्होंने तीसरा क्रूसेड जो है वो लॉन्च किया, और यहां से फिर एक अलग ही कहानी स्टार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों किंगडम ऑफ यरूशलम के कब्जा करने के बाद, कैपिटल एकड़ में शिफ्ट करने के बाद, अब यहां पे सीरीज ऑफ वॉर्स होंगे, सीरीज ऑफ बैटल्स, वॉर्स तो नहीं, सीरीज ऑफ बैटल्स लड़ी जाएंगी, यरूशलम को दोबारा अपने कब्जे में कोशिश, मतलब दोबारा अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे क्रूसेडर्स। तो सलाउद्दीन के पास अब यरूशलम चला गया है, ठीक है, और अब यहां से एक अलग ही कहानी स्टार्ट है। इसीलिए मैंने बताया कि थर्ड क्रूसेड सबसे इंपॉर्टेंट क्रूसेड, जितनी भी क्रूसेड हुई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड क्रूसेड रहा है। बहुत सारी चीजें हुई, इनिशियली हम देखते हैं कि यहां पे क्रिश्चियंस ने काफी विक्ट्रीज ली, और शायद वो यरूशलम को भी जीत जाते, लेकिन एंड वक्त में यहां पे क्रिश्चियंस ने विड्रॉ कर दिया। किंग रिचर्ड वन थे जो इंग्लैंड के राजा थे, जिसको रिचर्ड दी लायन हर्ट भी बोला जाता है, उन्होंने रिट्रीट कर दिया, उन्होंने काउंसिल मीटिंग बुलाई बाकायदा, और उन्होंने यरूशलम पे कब्जा किया ही नहीं। और ये आज भी बहुत ही ज्यादा डेबेटेबल है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, बहुत सारे इसमें तर्क दिए जाते हैं, ठीक है। पार्शियली सक्सेसफुल था जो थर्ड क्रूसेड था, वो ना ही रिचर्ड जीते और ना ही सलाउद्दीन जीते, हालांकि सलाउद्दीन हार जाता। बहरहाल 1187 में दोस्तों ये जो क्रूसेड है वो शुरू होता है, 1187 टू बी प्रिसाइसली अगर बात बताएं तो 1189, ठीक है, यहां पे रिचर्ड जो थे वो सामने आए, ठीक है। वैसे तो यहां पे जो रूलर्स थे, एक तो फ्रेडरिक बारबोसा थे, ठीक है, और दूसरे यहां पे किंग फिलिप टू थे फ्रांस के, और रिचर्ड वन थे, ठीक है। अल्टीमेटली रिचर्ड वन जो थे वही विक्टर साबित हुए, ठीक है। तो यहां पे ये सामने आए और इन्होंने कमिट किया कि मैं क्रूसेड को ज्वाइन करूंगा, लेकिन इस बार जो क्रूसेड है वो जमीन से नहीं होगा, इस बार हमारे पास पैसा है तो हम समुद्र से जाएंगे। अब समुद्र से जाएंगे तो अच्छी बात है, हम वेपन्स को, जो आर्मीज हैं उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर देंगे, वक्त बचेगा, पिछला क्रूसेड बहुत ही लंबा था, अभी वक्त बचेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखते हैं कि क्रूसेड जो है वो शुरू हुआ, और रिचर्ड जो है वो अपनी पूरी आर्मी लेके निकले, और अगेन यूरोप का साथ है यहां पे, ठीक है। लेकिन अब जो है आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल थी, बहुत सारे नाइट्स इनके साथ जुड़ गए, टेम्पलर नाइट्स की दोस्तों हम दूत मतलब इसके अगले लेक्चर में बात करेंगे। शुरुआत में तो बहुत ही गजब तरीके से इन्होंने अटैक किया, रिचर्ड दी लायन हार्ट ने और इनकी आर्मी ने, बहुत गजब तरीके से एकड़ को इन्होंने कैप्चर कर लिया, और एकड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकड़, चलिए मैं मैप में आपको फिर से दिखाता हूं, ठीक है, ये है एकड़, ठीक है, ये पोर्ट सिटी है, तो पोर्ट सिटी को कैप्चर करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं ना थर्ड क्रूसेड, ये देखिए थर्ड क्रूसेड, ये 1189 से, ठीक है, और ये 1.5 साल में पहुंच गए, ये देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है ये 1.5 साल में पहुंच गए, और 1.5 साल में पहुंचने का मतलब ये था कि बहुत ही कम समय, पिछला क्रूसेड 3 साल का था, जमीन से गए थे, लेकिन अब ये समुद्र से गए हैं, ये पूरा मेडिटेरेनियन होते हुए आसानी से पहुंच गए यहां पे,
ठीक है, तो यहां पे इन्होंने एकड़ पे हमला किया और एकड़ पे कब्जा किया। एकड़ पे कब्जा करना इतना आसान नहीं था, ठीक है, कहां गया थर्ड क्रूसेड, हाँ ये रहा, ठीक है, तो एकड़ पे कब्जा करना इतना आसान नहीं था, और जाफा पे कब्जा किया, दो शहर पे जो कब्जा हुआ, एकड़ और जाफा पे, और उसके बाद फिर जो अगला टारगेट था वो यरूशलम था। तो एकड़ और जाफा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थे, और इन्होंने जब इस सिटी को रिकैप्चर किया तब सलाहुद्दीन को लगा कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और इसमें सलाहुद्दीन खुद भी युद्ध लड़ रहा था तो मुश्किल थी। लेकिन वही चीज है ना कि यरूशलम को इसने कुछ ही दूर था, लेकिन यरूशलम को इसने कैप्चर ही नहीं किया, ठीक है, ये दनदनाते हुए यरूशलम में घुसा। अब यहां पे रिचर्ड जो था वो, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, रेस्ट बहुत ले रहा था, ये 2 दिन चलता तीसरे दिन रेस्ट लेता, फिर अगले 2 दिन चलता फिर रेस्ट लेता। तो यहां पे आर्मी भी बोल रही थी कि क्या कर रहे हो यार, हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जल्दी चलो यरूशलम अटैक करते, खत्म करो। और यहां पे दोस्तों ये जो कीमती वक्त गया है, कुछ कीमती वक्त भी गया दोस्तों, ये जो कीमती वक्त गया है इसमें आर्मी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, साथ ही साथ इनके वेपन्स को भी, इनके हथियारों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था, ठीक है, सप्लाई को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन अल्टीमेटली देखते हैं 1192 आते थे, जुलाई 1192 ये यरूशलम के बाहर खड़े हो गए रिचर्ड द लायन हार्ट, ठीक है, ब्रिंक ऑफ विक्ट्री, जीतने के कगार पे ही थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सलाहुद्दीन ने तो पूरा ये मनी बना लिया था कि अब हम हार हार नहीं वाले, अब हम बहुत मुश्किल हमारा जीतना, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम देखते हैं इन्होंने रिट्रीट कर दिया, ये यरूशलम गए ही नहीं, अटैक ही नहीं किया। तो थर्ड क्रूसेड ना क्रिश्चियन जीते ना मुस्लिम जीते, इनफैक्ट अपर हैंड जो था वो मुस्लिम्स का था, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, देखिए रिचर्ड द लायन हार्ट ये बड़ा ही इंटेलिजेंट इंसान था, ये डिप्लोमेसी भी था, बैकडोर से डिप्लोमेसी भी यहां पे हो रही थी कि बातचीत से मामला हल हो जाए, क्योंकि दोस्तों देखिए जब भी वॉर होता है तो इतना आसान नहीं होता है, जान का भी खतरा होता है, बहुत लोग मारे भी जाते हैं, जिस शहर को आप, यरूशलम को अगर आप जीतने जा रहे हैं तो यरूशलम ही बर्बाद हो जाएगा वॉर में, तो ऐसे शहर का फायदा क्या, दोबारा उसको बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, ऐसा ये भी तर्क दिया जाता है कि इनकी जो आर्मी थी, इनके जो वेपन्स थे, अगर ये एक तो वो भी खत्म हो रहे थे, ठीक है, और रिइंफोर्समेंट आने में भी हो सकता है टाइम लगता, और अगर ये शहर पे कब्जा कर लेते ना तो भी कब्जा ज्यादा दिनों तक चलता नहीं, बहुत मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि इधर मुस्लिम फोर्सेस दोबारा यहां पे मतलब पूरा यहां पे रीऑर्गेनाइज होती और कुछ ही वक्त में शायद हरा सकती थी रिचर्ड डी लायन हार्ट को। तो इसीलिए लायन हार्ट ने ये सोचा कि ट्रीटी साइन कर लेते, समझौता कर लेते, वो बेटर होगा। तो यहां पर ट्रीटी ऑफ जैफा साइन हुई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ जैफा साइन हुई, ये क्या थी, सबसे पहले इसमें 3 साल का ट्रूस था, ठीक है, कि आप क्रिश्चियंस को यहां पे आने दो, स्टेटस को मेंटेन रहेगा लेकिन क्रिश्चियंस को यहां पे आने दो, उनका होली लैंड है और यहां पे पूजा करने दो, मुस्लिम्स मान गए कि वो बेझिझक आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो यरूशलम था ये मुस्लिम के कंट्रोल में रहा इस ट्रीटी ऑफ जाफा के तहत, ठीक है, और उसके बाद क्रूसेड्स ने सेप्रस को दोबारा कैप्चर किया, तो किंगडम ऑफ सेप्रस जो है वो एस्टैब्लिश किया गया, जाफा को कैप्चर किया, एकड़ को लिया। तो यहां पर कुछ जो कोस्टल टाउन्स थे वो तो आगे क्रूसेडर्स के पास, और मुस्लिम्स का कंट्रोल यरूशलम पे रहा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज थी कि यहां पे जो तीर्थ यात्री हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो आप उन पे हमला नहीं करेंगे अगर वो यात्रा करने आ रहे हैं, अगर वो यरूशलम में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पवित्र स्थान है, मुस्लिम्स मान गए, सलाहुद्दीन मान गया। तो ये थर्ड क्रूसेड का एंड था, यहां पे ना ही सलाहुद्दीन को विक्ट्री मिली और ना ही रिचर्ड डी लायनहार्ट को विक्ट्री मिली। हम फोर्थ क्रूसेड की बात करते हैं 1202 से लेकर 1204, लेकिन ये अब जो आगे के क्रूसेड होंगे उसमें यरूशलम बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि इनके हाथ नहीं आएगा, ठीक है, अभी थर्ड क्रूसेड तक ही था जो था। अब इसके बाद बार बार मुस्लिम जीतेंगे, इनफैक्ट अब जो ये मिशन है वो भी डाइवर्ट होंगे, वो यरूशलम के लिए जाएंगे भी नहीं। अब जैसे फोर्थ क्रूसेड में क्या था, इसमें पोप इनोसेंट थ्री, अब पोप इनोसेंट थ्री, लेकिन इनोसेंट नहीं थे, पोप इनोसेंट थ्री आप देखिएगा मेरे एल्बिगेंसन क्रूसेड पे लेक्चर, ठीक है, कि वहां पे कैसे एल्बिगेंसन को मारा गया, क्योंकि ये जो चर्च की अथॉरिटी थी इसके खिलाफ एक जो तबका था वो खड़ा हो गया, एल्बिगेंसियंस खड़े हो गए, और उसके बाद यहां पे उनके खिलाफ क्रूसेड छेड़ दिया गया कि जो भी पैपल अथॉरिटी यानी कि पोप की अथॉरिटी को क्वेश्चंस कर रहे हैं, चर्चेस को क्वेश्चन कर रहे हैं, खत्म कर दो, निस्तना नाबूद कर दिया पूरे मूवमेंट को, 20-30 साल में हटा दिया, समझ रहे हैं आप, समझे कि नहीं, मतलब जो पोप की अथॉरिटी थी वो सबसे ऊपर थी, और उस समय आप क्रिश्चियनिटी कैथोलिक्स के खिलाफ नहीं जा सकते थे। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में क्या फर्क होता है, ये मैंने एल्बिगेंसन लेक्चर में समझाया है, ठीक है, एल्बिगेंसन क्रूसेड में, तो आप देख लीजिएगा। तो यहां पे एक पूरा बकायदा मूवमेंट शुरू हो गया, एल्बिगेंसियन जो थे उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को फ्रेम करना शुरू कर दिया, उन्होंने पोप की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, और यहां पे फिर उसके बाद ये जो पोप थे और ये जो कैथोलिक्स थे उन्होंने बोला कि
ये बिल्कुल भी हम नहीं सहेंगे, इनको मारो पकड़ पकड़ के, तो सबको मारा गया। तो यहां पे आप इस समय धर्म को क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप कैथोलिक्स को क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ये सारे धर्मों के साथ था। तो हम यहां पे देखते हैं कि इधर 1198 में जब पोप इनोसेंट III आए, तब नया क्रूसेड यरूशलम को दोबारा लेंगे, चौथा क्रूसेड जिसको बोला जाता है, लेकिन मिशन को डाइवर्ट कर दिया। क्यों डाइवर्ट कर दिया? एक्चुअली में यरूशलम जाना था, लेकिन इन्होंने मिशन को डाइवर्ट करके कॉन्स्टेंटिनोपोल भेज दिया, जो कि उस समय बाइजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल थी। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी पावर स्ट्रगल हो रही थी यूरोप और बाइजेंटियम में, ठीक है। बाइजेंटाइन एम्परर जो थे एलेक्सियस III, कोई भी नहीं चाहता था ये राजा बने, और इसी चक्कर में यहां पे यूरोप में ये बकायदा पूरे मिशन को डाइवर्ट कर दिया, और कॉन्स्टेंटिनोपोल में भयंकर लड़ाई हुई, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपोल का फॉल होता है, क्रुसेड्स जीतते हैं। ये चीज आप समझे कि नहीं? ये एक तरीके से जो होली वॉर है, ये यरूशलेम के लिए नहीं हुआ है, ये कॉन्स्टेंटिनोपोल के हुआ है, ये बाइजेंटाइन एम्पायर के लिए हुआ है, और इसमें क्रुसेडर्स जीते, ठीक है, जो रोमन एम्पायर के थे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जारा और कॉन्स्टेंटिनोपोल को अपने कब्जे में ले लिया क्रुसेडर्स ने, ठीक है, और उसके बाद बाइजेंटाइन एम्पायर को पूरी तरीके से वीक कर दिया। तो अब यहां पे फोर्थ क्रुसेड में तो यरूशलेम की बात ही नहीं हुई। फिर फाइनल क्रुसेड्स की बात करते हैं दोस्तों, 1208 से लेकर 1271, ये जितनी भी क्रुसेड्स लड़ी गई दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ क्रिश्चियंस को, ठीक है। फिफ्थ क्रुसेड में बात करें तो अगेन पोप इनोसेंट III, अच्छा इससे पहले एल्बिगेंसन क्रुसेड 1208 से लेकर 1229, ये बेसिकली एल्बिगेंसन जेनोसाइड है, जब यहां पे एल्बिगेंसन को मारा गया। अब इस पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ क्रुसेड की बात करें दोस्तों, तो अगेन पोप इनोसेंट III ने इसको मोशन में ये लेके आए, लेकिन इनमें भी ज्यादा इनको कोई हम देखते हैं कि यहां पे उपलब्धि नहीं मिली, ठीक है। यरूशलम को कुछ टाइम तक ही अपने कब्जे में रख पाए, लेकिन फिर ये मुस्लिम्स के हाथ में ही चला गया। फिफ्थ क्रूसेड में तो यहां पे डिसाइसिव विक्ट्री हुई मुस्लिमों की, ठीक है। तो ये चीज है, तो सलादीन का नेफ्यू था जिन्होंने क्रूसेडर्स को यहां पे हराया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सिक्स्थ क्रूसेड हुई। सिक्स्थ क्रुसेड में फ्रेडरिक II ने कुछ टाइम तक बोला कि यरूशलम हमारे पास रहेगा, एक ट्रीटी साइन कर ली, लेकिन बाद में फिर से मुस्लिम्स ने अटैक किया और यरूशलम पे कंट्रोल ले लिया अपना, ठीक है। तो ये चीज है। सेवेंथ क्रुसेड 1248 से लेकर 1254 तक, ये लुई द नाइन्थ ऑफ फ्रांस ने ऑर्गेनाइज की थी, ये भी फेलियर था, इसमें भी इनको कोई खास सक्सेस नहीं मिली। और उसके बाद जो जो है एक नई डायनेस्टी मामलूक्स, मामलूक्स ये उभरी, मामलूक्स ने इजिप्ट पे पावर ले ली और इजिप्ट पे अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया, ठीक है। तो आगे की जो क्रूसेड थी, एट्थ और नाइन्थ क्रूसेड, उसमें भी क्रिश्चियंस को कोई खास जीत नहीं मिली, और अल्टीमेट जो विक्टर हुए यहां पे वो मुस्लिम ही हुए। यहां तक कि जो इनके पास टाउन्स थे, जो क्रिश्चियंस के पास टाउन्स थे, जो क्रिश्चियंस ने क्रूसेडर्स ने जो किंगडम्स एस्टैब्लिश किए थे, वो तक छीन लिए थे बाद में, जो एट्थ और नाइन्थ क्रूसेड में वो तक छीन लिए गए थे। लेकिन यहां पे दोस्तों हमको यह भी देखना है कि भले ही यहां पे मतलब क्रिश्चियंस यहां पे अगर हम बाद के क्रूसेड्स की बात करें तो उनको डेफिनेटली इसमें हार का सामना करना पड़ा, बट अपर हैंड भी यहां पे क्रिश्चियंस को था, ठीक है ना। देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो फैली ना, क्रिश्चियनिटी जो है वो यहां तक आ गई, फैली, और इतने सालों तक जो मुस्लिमों ने रूल किया था, अल्टीमेटली जब क्रूसेड शुरू हुआ तो क्रिश्चियंस का यहां पे रूल हुआ और बहुत सारे क्रिश्चियंस भी आए। तो बहुत इस पे डिबेट है कि क्रुसेड जीता कौन, है ना, मुस्लिम्स जीते डेफिनेटली। अगर आप वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पे मुस्लिमों ने जितनी भी सिटीज थी जो क्रिश्चियंस के पास थी वो सब वापस ले ली थी। 1291 आते आते 1291 दोस्तों आते आते क्रुसेड ही खत्म हो गया, ठीक है। और यहां पर मुस्लिम मामलूक्स ने जो आखिरी सिटी थी एकड़, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन यहां पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि क्रिश्चियंस की हार हुई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्सपैंड कर लिया था, एक्सपेंशन में वो बहुत कामयाब हुए थे, बहुत सारे पैसे आए थे, समझ रहे हैं। तो एक तरीके से हम ड्रॉ ही कहेंगे, लेकिन यहां पे जो अपर हैंड था वो डेफिनेटली मुस्लिम्स को था। मुस्लिम्स को जब क्रूसेड एंड हुआ तो ज्यादा ज्यादा फायदा हुआ और मुस्लिम्स ने सब कुछ जीत लिया था, क्रिश्चियनों से सब कुछ छीन लिया था, ठीक है। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ये रीजन तो जो था ना, ये जो होली लैंड है मुस्लिमों के पास था यहां से नहीं बहुत सालों से, तो उनकी यहां पे रीच बहुत ज्यादा थी। अब क्रिश्चियंस को अगर कुछ भी भेजना होता तो पूरा यूरोप से उनको ट्रैवल करके, अगर रीइंफोर्समेंट लाना है तो 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके, अगर कोई सप्लाई भेजनी है तो इतना ट्रैवल करके यहां पे भेजना होता था। तो जाहिर सी बात है ये इतनी ज्यादा दिनों तक वैसे भी सस्टेन नहीं कर सकता था, और यही रिचर्ड द लायन हार्ट ने सोचा था, ठीक है, थर्ड क्रूसेड में। तो ये चीज आपको जाननी है यहां पर, क्योंकि अक्सर यह बहस होती है कि क्रूसेड जीता कौन।
अपर हैंड मुस्लिम्स के पास था, लेकिन क्रिश्चियंस ने भी यहां पे बहुत कुछ पाया, ठीक है, लेकिन क्रिश्चियंस के पास यहां पे अपर हैंड बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, एक किंगडम से दूसरे किंगडम पे जब क्रिश्चियंस गए तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा, यहां पे कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ ना, पढ़ाई का भी एक्सचेंज हुआ, और यहां से ही बोला जाता है कि एक रिफॉर्मेशन या फिर रिनेसे का पीरियड जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। साथ ही साथ जो पैपल अथॉरिटी थी उसका भी डिक्लाइन होने लगा, रिनेसा मतलब यही, यहां पे जो कैथोलिक्स थे उन पे सवाल उठने लगे, क्योंकि देखिए आप हारे हैं, अगर आप जीतते तब तो सवाल नहीं उठते, लेकिन आपके पास ज्यादा कुछ, आपको ज्यादा कुछ मिला नहीं है, ठीक है, तो यहां पे जब आप हारे हैं तब यहां पे लोग सामने आए, उन्होंने सवाल उठाए, और उन्होंने फिर ये जो कैथोलिक्स की पूरी अथॉरिटी थी, जो चर्चेस की पूरी अथॉरिटी थी, उनसे अब सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, धर्म जो है वो लोगों की रक्षा के लिए होता है, लेकिन आप लोगों को कोई भी राइट्स नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरा रिनेसा का पीरियड जो है वो शुरू हो गया, ठीक है, तो ये चीज है। हालांकि इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हुए, ट्रेड बहुत ज्यादा होने लगा दोस्तों, ठीक है, इधर पूरा यूरोपियन और इधर जो बाइजेंटाइन एम्पायर और इधर जो मिडिल ईस्ट है, ठीक है, जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है उनमें बहुत अच्छा ट्रेड होने लगा, तो पैसे भी बहुत अच्छे आए, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन, ये पोर्ट सिटी जब क्रूसेडर्स ने बनाई थी और किंगडम एस्टैब्लिश किए थे तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का भी बहुत अच्छे से यूज किया गया, बाकायदा अच्छे शिप्स बनाए गए, आसान होता था एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ी। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये क्रिश्चियंस के लिए बहुत अच्छा हुआ, पैसा खूब आया, भर भर के आया, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। अब यहां पे पोप की अथॉरिटी तो बाद में एंड हुई, लेकिन पोप को एलिवेट कर दिया गया था, क्योंकि भले ही कुछ भी हो लेकिन पोप ने कम से कम पहला इनिशिएटिव तो लिया था कि यरूशलम को अपने कब्जे में लेके आना है, ठीक है। तो जो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च था उनकी वेल्थ में भी इंक्रीज आया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ, लिटरेचर का भी एक्सचेंज हुआ, तो यहां से पेपल अथॉरिटी का डिक्लाइन भी हुआ बाद में, है ना, रेनेसा का जो पीरियड है वो इससे भी लिंक किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो पूरा क्रूसेड था इसमें बहुत लोगों की जाने गई, लाखों लाखों लोग मारे गए, और जब भी कोई भी शहर बर्बाद किया गया तो रूथलेसली किया गया, किसी की परवाह नहीं की गई। और आज भी हम देखते हैं जो क्रिश्चियंस हैं उनको ये जब भी क्रूसेड की बात होती है तो उनको एज अ विलन देखा जाता है, जो मुस्लिम समाज है जो क्रूसेड उन्होंने किया एज अ विलन, तो अभी भी ये जो खाई है वो कम नहीं हुई अगर हम क्रूसेड्स की बात करते हैं। ये क्रूसेड्स पे लेक्चर था, मुझे पता है लंबा हुआ है, बहुत सारे इवेंट्स मैंने स्किप किए, खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री।